परिमाप। आओ इस आयत को देखें। मान लो कि यह एक खेल का मैदान है और मैं इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना चाहती हूं, तो मैं कितना चलूंगी या दूरी कितनी होगी? 100 जमा 50 जमा 100 जमा 50 मतलब कुल 300 मीटर दूरी मुझे एक चक्कर में पूरी करनी पड़ेगी। तो इस दूरी को मैदान का परिमाप कहते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि आकृति की बाहरी दूरी को परिमाप कहते हैं, बंद आकृति के चारों ओर को। और यह हम कैसे ज्ञात करते हैं? यह आकृति की सभी भुजाओं का जोड़ है। आओ कुछ और उदाहरण देखें। अब यहां एक त्रिभुज है। यदि आप देखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप 4 जमा 4 जमा 2 मतलब 10 सेंटीमीटर होगा। अब यह एक चतुर्भुज है। आप देख सकते हो कि भुजाएं हैं 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। तो 4 जमा 4 है 8, 8 जमा 3 है 11 और 11 जमा 5 है 16। अतः परिमाप हुआ 16 मीटर। अब यहाँ एक षटभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, तो परिमाप होगा 3 गुणा 6 क्योंकि भुजाओं की संख्या 6 है। तो 6 बार 3 18 है और परिमाप होगा 18 मीटर। अब यहाँ एक पंचभुज है और इसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो 5 बार 5 25 है। इसका मतलब है कि पंचभुज का परिमाप है 25 सेंटीमीटर। यहां पर एक आयत है। आओ यह जानने की कोशिश करें कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस आयत की लंबाई है L और हम लंबाई को L से दर्शाते हैं और चौड़ाई को B के द्वारा, ठीक है? इसलिए परिमाप क्या होगा? परिमाप L जमा B जमा L जमा B होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं आयत के चारों तरफ घूमना चाहूं तो मैं L जमा B जमा L जमा B दूरी तय करूंगी। या मैं यह कह सकती हूं कि मैं 2 गुणा L जमा 2 गुणा B चली, क्योंकि मैंने लंबाई की दुगनी और चौड़ाई की दुगनी दूरी तय की। और मैं यह कह सकती हूं कि यह 2 गुणा लंबाई जमा 2 गुणा चौड़ाई होगी। तो जो मैंने अभी समझा कि आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होगा। अब वर्ग के संदर्भ में क्या है? हम वर्ग की भुजा के लिए S प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए परिमाप होगा S जमा S जमा S जमा S। इसका मतलब हुआ कि 4 बार S या 4 बार वर्ग की भुजा। इसका मतलब हुआ कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा है। अब चलो कुछ और उदाहरण लेते हैं। मैंने यहां आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिख दिया है। इसलिए अगर आयत की लंबाई 8 और चौड़ाई 5 है तो परिमाप क्या होगा? 8 जमा 5 13 है, 13 गुणा 2 26 है, तो परिमाप 26 होगा। यदि लंबाई 7 और चौड़ाई 4 है तब 7 जमा 4 11 है, 11 गुणा 2 22 है, तो परिमाप 22 है। तो अब स्थिति में मैं जानती हूं कि लंबाई 10 है और परिमाप 30 है, तो चौड़ाई क्या होगी? अब लंबाई जमा चौड़ाई का दुगना 30 है, तो अब मुझे इसे लिखने दो। लंबाई का दुगना 20 जमा चौड़ाई का दुगना बराबर 30 के। इसका मतलब है कि चौड़ाई का दुगना बराबर 10 है। यदि चौड़ाई का दुगना 10 है तो चौड़ाई 5 है, अतः मेरा उत्तर 5 है। चलो अब इस वर्ग के परिमाप को देखें। अगर वर्ग की भुजा 18 है तो इसका परिमाप 18 गुणा 4 बराबर 72 होगा।
अगर भुजा 12 है तो परिमाप 48 होगा। अब अगर परिमाप 60 है तो भुजा क्या होगी? हमें परिमाप को 4 से भाग देना होगा क्योंकि यहां पर 4 भुजाएं हैं। हम जानते हैं कि 15 बार 4 60 होते हैं, इसलिए वर्ग की भुजा है 15। आओ कुछ शाब्दिक सवालों पर नजर डालें। एक पंचभुजाकार खेत को तार से बाड़ लगानी है, मतलब मैं पंचभुज के चारों ओर बाड़ लगा रही हूं। प्रत्येक भुजा 40 मीटर लंबी है तो तार की लंबाई क्या होगी? तो यह एक पंचभुज है, मतलब यहां पर 5 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा 40 मीटर की है, तो मैं 40 को 5 से गुणा करूंगी, अर्थात 40 बार 5 बराबर 200 मीटर, इसलिए तार की लंबाई होगी 200 मीटर। एक आयताकार खेल का मैदान 200 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। आशा मैदान के चारों तरफ प्रतिदिन 3 चक्कर लगाती है, तो वह रोज कितना दौड़ती है? अब जब वो एक चक्कर पूरा करती है तो आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो आओ पहले परिमाप ज्ञात करें जो कि एक चक्कर के बराबर होगा। परिमाप कितना होगा? 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, मतलब 2 गुणा 200 जमा 150। तो हम पहले जमा करते हैं 200 जमा 150 बराबर 350। 2 गुणा 350 बराबर 700, तो परिमाप है 700 मीटर, जो कि उसके एक चक्कर के बराबर है। परंतु वह तो 3 चक्कर दौड़ती है, इसका मतलब है 3 बार 700 होगा 2100 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर और 100 मीटर।